गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच एच लखनऊ ब्लॉगर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे रोटी से रसगुल्ले। ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक रोटी बना ली है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जितनी रोटी बनानी हो आप उतनी बना लीजिए। अब ये मैंने अभी आज ताज़ी बनाई है। अब मैं इसे एक दिन की धूप दिखाऊंगी, फिर मैं इसे ड्राई रोस्ट करूंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इन रोटियों को एक दिन की धूप दिखा दी है। ये देखिए, एकदम कर्री हो गई है। ये देखिए, एकदम कर्री हो गई है। और अभी मैं इसे एकदम लो फ्लेम पे थोड़ी देर रोस्ट करूंगी। गाइस, ये देखिए, अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब हम लोग इसे मिक्सी में पीस लेंगे। गाइस, ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे पीस लिया। अब एक चम्मच के करीब मैं इसमें घी डाल दूंगी। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। और अब मैं एक कटोरी के करीब दूध लूंगी, और इससे जैसे हम लोग रोटी का डो बनाते हैं वैसे अब हम लोग सॉफ्ट डो बना लेंगे। गाइस, अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज की कटोरी में पूरा दूध लेके इसमें डाल दिया है। ये अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन चुका है। अब हम लोग इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। गाइस, देखिए, यहाँ पे मैंने एक कटोरी के करीब पानी ले लिया है, और अब हम लोग एक छोटी कटोरी के करीब चीनी ले लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम लोग को चाशनी नहीं बनानी है, बस ऐसा मतलब इसे भूनना है, या आप कह सकते हैं गर्म करना है, कि जो हमारी चीनी वो अच्छे से मतलब इनविजिबल हो जाए। गाइस, देखिए, यहाँ पर मैंने कार्डमम ले लिए, यानी इलायची दो मैंने लिए। और अब हम लोग अपनी जो चाशनी बना रहे हैं, जो पानी बना रहे हैं चीनी का, उसमें अब हम लोग इसे डाल दें। तो देखिए, यहाँ पे मैं छोटे छोटे मीडियम साइज के गोले बना रही हूँ। और गाइस, अब हम लोग इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और गाइस, ये देखिए, ये बन के रेडी हो चुके हैं। चाशनी में मैंने डाल दिया है। अब 1-2 मिनट के लिए मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल के इसे छोड़ूंगी।